ओके क्लास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, पेज 128 ऑफ योर एनसीईआरटी। इट सेज दैट टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 केजी आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो दैट मींस दिस इज द केस। ओके, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। ओके, बिफोर कोलिजन द वेलोसिटी इज 2.5 मीटर पर, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद 2.5 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रिमेम्बर, जो हमने साइन कन्वेंशन यूज करनी है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की जगह जा रहा है, हम उस वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। ओके, रिमेम्बर वेलोसिटीज आर वेक्टर्स एंड मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर। तो हमें यहाँ डायरेक्शंस का ध्यान रखना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज गिवन व्हिच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग दिस कोलिजन। ओके, जब कोलिजन होती है तो बोथ द मासेस गेट स्टक टुगेदर। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी विद विच द कंबाइंड मास विल मूव आफ्टर कोलिजन। सो जब भी कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें तो ऑब्वियसली पता है कि वी आर गोइंग टू यूज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इस क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि जो आफ्टर कोलिजन वाले मासेस हैं वो कंबाइंड हो गए हैं। ओके, सो दैट मींस आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज कंबाइनिंग द टू मासेस आफ्टर कोलिजन एंड मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी। अब हमें v1 v2 अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, कॉमन मास से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेट दैट वेलोसिटी बी v। ठीक है, यानी कॉमन कॉमन मास कर लिया बिकॉज दे गेट स्टक टुगेदर ड्यूरिंग द कोलिजन एंड अ कॉमन वेलोसिटी v। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 1.5, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 2.5, ठीक है, प्लस सेकेंड मास कितना है 1.5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -2.5। ओके, इज इक्वल टू m1 प्लस m2, दोनों मासेस का सम कितना है 3, 1.5 प्लस 1.5, और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो हमें ढूंढना है। नाउ यू कैन क्लियरली सी बोथ दीज टर्म्स आर द सेम विद अ नेगेटिव साइन। ये मल्टीप्लीकेशन में जो नेगेटिव है यहाँ पे, ये बाहर आ जाएगा। ओके, सो दिस बिकम्स जीरो, लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो। तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन? इट इज आल्सो जीरो। सो ड्यूरिंग द कोलिजन दो इक्वल मासेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, एंड दे स्टक गेट स्टक टुगेदर ड्यूरिंग द कोलिजन, द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। सो दैट मींस बोथ द मासेस कम टू रेस्ट आफ्टर दिस कोलिजन हैपेंस। They get stuck together and they come to rest. So, question number 16, page 129 from your NCERT. It says an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Okay, you have to find the initial and the final momentum of the object. And also find the force exerted on the object. So, 5 meter per second से velocity 8 meter per second हुई है। तो 5 meter per second is initial velocity and 8 meter per second is the final velocity. Time is 6 seconds. You have to find the initial and the final momentum. तो initial momentum will be mass into initial velocity and final momentum will be mass into final velocity. Okay, class, you all will be rejoining if this meeting ends. Okay, so mass into initial velocity is 100 into 5, 500 kg meter per second. Final momentum 100 into 8, 800 kg meter per second. Okay, this is one part of the question. Also, you have to find the magnitude of the force exerted on the object. Now, how do I calculate force magnitude in this question? Okay, class, so we will be today discussing recoil of a gun, and this is a observation that we already know that when a bullet is fired in the forward direction, the gun gets a backward jerk, it recoils in the backward direction.
So that is due to Newton's third law of motion, or you can also justify it using conservation of momentum. Okay, so we will be deriving the velocity with which the gun recoils backward using the conservation of momentum. Okay, so recoil of a gun is what we are discussing, and using conservation of momentum, according to conservation of momentum, that means the mathematical form I am talking about. What is the mathematical form of conservation of momentum? We have derived the expression. It says that total initial momentum m1 u1 plus m2 u2 is equal to the total final momentum m1 v1 and plus m2 v2. Okay, so this is the total initial momentum and this is the total final momentum. Is system mein abhi hum kin do cheezon ki baat kar rahe hain, gun and bullet. Okay, so the terminology that we are following here is that m1 m2, these are the masses of gun and bullet. Okay, and u1 u2 are the initial velocities of gun and bullet. Okay, and v1 v2 are the final velocities of gun and bullet. So these are the terminology symbols jo hum use kar rahe hain. M1 M2 M1 mass of the gun hai, M2 mass of the bullet hai. U1 mass of initial velocity of the gun hai, U2 initial velocity of the bullet hai. V1 final velocity of the gun hai, V2 final velocity of the bullet hai. Okay, now since initially gun and bullet both are at rest, initially gun and bullet both are at rest. Initially जब fire नहीं कर रहा है bullet को तो gun and bullet both are at rest. So u1 u2 दोनों equal to zero है, ठीक है, दोनों initially rest पे थे. Now when we use it in this equation, ये equation क्या बन जाएगी, m1 into 0 plus m2 into 0 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ठीक है, now anything into 0 is 0 only. तो आप देख रहे हैं LHS completely 0 ही हो गया, total initial momentum is 0, दो terms हम add कर रहे हैं, दोनों 0 है, total initial momentum is 0, इसका मतलब total final momentum भी 0 ही होगा, और ये बात हम use करके final velocity of the gun निकाल लेंगे. So final momentum is equal to the initial momentum which is equal to 0. Okay, ये m1 क्या है, mass of the gun, v1 क्या है, velocity of the gun after the bullet has been fired. v1 is the velocity जो हम ढूंढ रहे हैं, जिससे gun को पीछे को धक्का लगा है, जो gun पीछे थोड़ा सा जाती है जब हम fire करते हैं, वो किस velocity से recoil करती है, वो है v1, final velocity of the gun. This is what we are looking for. Okay, and m2 is the mass of the bullet, v2 is the velocity of the bullet, जिससे bullet fire करी है, 150 meter per second, 200 meter per second, वो जो velocity है, वो ये होगी, bullet की velocity. Okay, we are looking for the recoil velocity of a gun. तो हम v1 वाली term को लाएंगे left hand side पे, it becomes m1 v1 is equal to with a negative sign, क्योंकि आप equal to किस side लाए हो उसको, is equal to m2 v2. Okay, and v1 will be equal to, हम m1 को दूसरी साइड ले जाएंगे, it will go in the denominator, negative will also go on the other side, so it becomes v1 is equal to minus m2 v2 divided by m1. This is the formula for the velocity with which the gun recoils. It is known as the velocity of recoil, या फिर recoil velocity of the gun. You see a negative sign here, which shows that the gun moves in the opposite direction as compared to the bullet. अगर bullet forward direction में जा रही है, gun पीछे की तरफ धक्का लगता है gun को, gun recoils in the backward direction. Okay, so the recoil velocity of the gun is minus m2 v2 upon m1. m2 mass of the bullet, v2 velocity of the bullet, m1 in the denominator is the mass of the gun. Okay class, so now example 9.6 on page 124, it says that
अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम्स, सो हम जो नोटेशन फॉलो करेंगे वो एक ही रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. M1 को हम गन मान रहे हैं और M2 को हम बुलेट मान रहे हैं, ठीक है. तो M2 अभी डेरिवेशन में भी हमने ऐसे ही किया था. तो अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, बुलेट का मास गिवन है 20 ग्राम, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड. तो बुलेट कितनी वेलोसिटी से चली है उसको हम V2 लेते हैं हमेशा, हाँ, which is 150 meter per second, okay. Pistol जिससे उसको फायर किया है उसका मास गिवन है 2 kg, okay. You have to find the recoil velocity of the pistol. आपको V1 calculate करना है recoil velocity of the pistol. Everything is given in this question. Recoil velocity का आप सीधा formula लगा सकते हैं. अगर आपको by chance recoil velocity का formula नहीं भी याद रहता है exam time में, आप सीधा conservation of momentum की equation में values डाल दोगे, answer वही आएगा. यही ऐसी ही दिखेगी conservation of momentum में, जब आप values डालोगे left hand side 0 हो जाएगी क्योंकि initially bullet और gun दोनों rest में है, और right hand side में आप ये values डालोगे तो answer आ जाएगा आपका, ठीक है. सो V1 वी आर कैलकुलेटिंग एज माइनस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट अपॉन मास ऑफ द गन, ठीक है. डालेंगे वैल्यूज इसमें. M2 कितना गिवन है, 20 ग्राम्स. हाउ मच इज दिस इन केजी, यू डिवाइडेड बाय 1000, ओके, सो दैट विल बिकम 0.02 kg, ठीक है. केजी में कन्वर्ट किया हमने, इट बिकम्स 0.02 kg. एंड पुटिंग द वैल्यूज नाउ, माइनस 0.02 into 150, that is the velocity of the bullet, divided by mass of the gun, that is 2. Okay, now you have to solve this fraction for the recoil velocity of the gun. We have straight away used the formula for the recoil velocity of the gun, put the values, and now we calculate. So when we simplify this further, okay, we cancel it out by 2, and what do we get? It becomes minus 1.5 meter per second. So this is the velocity with which the gun recoils in the opposite direction. Negative sign is indicating that the gun is moving in the opposite direction. Opposite to what? Opposite to that of bullet. So this is the question number 3, page 126. It says rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 grams, and it is fired with a velocity of 35 meter per second. You have to find the recoil velocity of the gun. Okay, the formula for recoil velocity is mass of the bullet, velocity of the bullet divided by mass of the gun, negative sign indicating recoiling, moving in the opposite direction of the bullet, and put the values and calculate the recoil velocity of the gun. Sign is important. Okay, so putting the values in the formula, mass we are putting in kgs, 0.05, velocity of the bullet 35, mass of the gun is 4, okay, and simplifying this further, we get the final answer as negative 0.43 meter per second, okay. So this is the recoil velocity of the gun. Don't forget the negative sign, units are important, you lose half mark otherwise if you miss any of these two. Okay, also your final answer will give you an indication कि तुम्हारी calculation ठीक है कि नहीं. ये बहुत huge number कभी नहीं आएगा, ठीक है. Gun की velocity, recoil velocity is the velocity with which the gun is getting a backward jerk. अगर वो बहुत huge number होगा तो gun fire करने वाला को तो बहुत impact होगा. तो it is not possible कि ये number बहुत double digits में आए, या single digit में भी बहुत बड़ा number नहीं हो सकता ये. Okay, ये decimals में 1, 2, 3 इनकी range में ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल गिविंग द फाइनल. सो डिराइव न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ. जैसे हमने फर्स्ट लॉ डिराइव किया था सेकंड लॉ से, हम थर्ड लॉ भी यूज करेंगे, डिराइव करके दिखाएंगे फ्रॉम सेकंड लॉ. सो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, सो द स्टार्टिंग विड बी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. From conservation of momentum, मतलब हम उसके mathematical form को यहाँ state करने वाले हैं. M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. Okay? Then, what we are going to do is, हम M1 वाली सारी terms एक तरफ कर लेते हैं और M2 mass, second mass की सारी terms दूसरी तरफ कर रहे हैं. Okay? तो ये बन गया M1 U1
एम वन वी वन यहाँ आएगा, मैंने कहा एम वन की हम सारी टर्म्स एक तरफ कर रहे हैं, ये बना एम वन वी वन इस तरफ विद नेगेटिव इज इक्वल टू एम टू वी टू ऑलरेडी यहाँ था, और एम टू यू टू हम उस तरफ ले गए तो वो हो गया नेगेटिव। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, एम वन यू वन ये तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लिखा, और फिर यहाँ पे हमने एम वन की सारी टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर ली एल एच एस में, और एम टू की टर्म्स आर एच एस में कलेक्ट कर ली। ओके, नाउ टेकिंग मासेस कॉमन, ये बन गया यू वन माइनस वी वन, और यहाँ पे एम टू बाहर निकालेंगे कॉमन, तो बनेगा वी टू माइनस यू टू। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है? वी वॉन्ट टू रीच दी थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या होता है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। रिमेम्बर हमारा टारगेट ये है, हमें ऐसा इक्वेशन लानी है। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, दिस इज आवर टारगेट विच नीड्स टू बी अचीव्ड। तो मतलब हमें इन इक्वेशन को फोर्सेस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। मास इंटू चेंज इन वेलोसिटीज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको फोर्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें टाइम से डिवाइड करना होगा। जब हम थ्रू आउट टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म्स आप देख रहे हो एक्सेलरेशन बन जाएंगी जो ब्रैकेट्स में, और मास इंटू एक्सेलरेशन हमें फोर्स की फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, तो हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ तक जाना है, इसलिए हम थ्रू आउट दिस इक्वेशन वील डिवाइड बाय टी। ओके, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय टी, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? इट बिकम्स एम वन यू वन माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम टू वी टू माइनस यू टू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में यहां पे क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये बन गई एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। वॉट अबाउट दिस? ये तो इनिशियल माइनस फाइनल हो रखा है यहाँ पे, तो हम नेगेटिव को करेंगे बाहर। वील टेक आउट दी नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड, ताकि हम इसको फोर्स की फॉर्म में लिख पाए। यहां तक दी स्टेप्स आर क्लियर? प्लीज लुक एट दी स्टेप्स वेरी केयरफुली एंड लेट मी नो इफ समथिंग इज नॉट क्लियर। स्तुति, यू हैव रेज्ड योर हैंड। ओके क्लास, वी हैव टेकन नेगेटिव कॉमन फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड, ताकि ये फोर्स की फॉर्म बन जाए, और ये फोर्स का फॉर्म कब कब लेगी? जब ये ब्रैकेट वाली चीज एक्सेलरेशन बनेगी। एक्सेलरेशन के लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी पहले चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हम, तो नेगेटिव लिया बाहर कॉमन, ताकि ये वी वन माइनस यू वन के फॉर्म में आ जाए। ओके, सो नाउ दिस इज माइनस एम वन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एम वन, ठीक है, ये क्या हो गया? माइनस एम वन इंटू ए वन इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? एम टू ए टू, दिस इज वॉट फोर्स ऑन वन। और किसकी वजह से लगेगी ये फोर्स? जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली बात कर रहे होते हैं, हम कोलिजन की बात कर रहे हैं ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू, फोर्स टू पे कौन लगा रहा है? वन। सो वी हैव रीच्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ। और यहाँ सेकेंड लॉ कहाँ यूज किया हमने? ये सारी कहानी सेकेंड लॉ को लाने के लिए तो डाली है, टी से डिवाइड किया, माइनस को बाहर लिया। सो सेकेंड लॉ ने कहा था कि ये वाली टर्म को आप फोर्स कह सकते हो, इसलिए हम इस डेरिवेशन को बोलते हैं कि हम थर्ड लॉ तक पहुंचे हैं यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो यहाँ पे यू विल बी राइटिंग दैट यूजिंग, जहां आपने एम वी माइनस यू बाय टी को एफ लिखा है, एम इंटू ए लिखा है, तो आप यहां पे लिखेंगे यूजिंग सेकेंड लॉ, दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो वी हैव डिराइव्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। Yes, this is the reason why the second law of motion is known as the real law of motion, because it contains the first law also and the third law also. आप second law को use करके first law भी prove कर चुके हैं हम, और third law भी prove कर दिया। Okay,
So class, this is example 9.7, page 125. It says that there was a stationary cart of 3 kg. A girl of mass 40 kg jumps on it with a speed of 5 meter per second. अब ये दोनों इकट्ठे किस स्पीड से मूव करेंगे वो आपको कैलकुलेट करनी है. ओके, नाउ यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2. Okay. Now m1u1, m1 अगर गर्ल का मास है और m2 अगर कार्ट का मास है. m1 is 40, u1 किस वेलोसिटी से गर्ल रन करके आई है 5, प्लस m2 कार्ट की बात कर रहे हैं हम 3, इनिशियली किस वेलोसिटी पे था, इट वाज एट रेस्ट 0. फाइनली दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो v1 v2 अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, दे विल बी मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी. ओके, सो आई एम रिमूविंग द सबस्क्रिप्ट v1 v2, मैं इन दोनों मासेस को ऐड करके एक कॉमन वेलोसिटी लिख दी मैंने v, और ये v है जो आपको ढूंढनी. ओके, सो दिस बिकम्स 200 प्लस 0 इज इक्वल टू 43 v. ओके, देन व्हेन वी कैलकुलेट v एज 200 बाय 43, what do we get? 200 by 43 is the common velocity. Convert it into decimals and give me the answer. So when we solve 200 by 43, it comes out to be 4.65 meter per second, the common velocity with which the girl and the cart are going to move forward. So this is question number, example 9.8 on page 126. Two hockey players of opposite teams, they are coming from opposite directions. Okay, one is having mass 55 kg, speed 6 meter per second. The other is coming in the opposite direction, mass 60 kg and speed is 5 meter per second. The question, according to the question, they get entangled. Okay, and then in which direction after getting entangled will they move and with what velocity, that you have to calculate. Entangle ho jane ka matlab ulaj jana. ठीक है, आपने देखा होगा ना कई बार गेम में ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स दे गेट एंटैंगल्ड और उसके बाद इधर दे स्टॉप और दे गेट आफ्टर गेटिंग एंटैंगल्ड दे आर ड्रैग्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दे माइट फॉल और दे माइट रिड्यूस देयर स्पीड, मतलब कुछ भी एनी ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज देयर. यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा आफ्टर दे गेट एंटैंगल्ड. एंटैंगल हो जाने का मतलब यहाँ पे आपको क्या लेना है, कॉमन मास ले लेना है. जैसे अभी पीछे हमने किया था क्वेश्चन में, कार्ट और गर्ल को वन मास सिस्टम मान के उनकी वेलोसिटी निकाली थी. अब यहाँ पे भी यही करना है, इन दोनों प्लेयर्स के मासेस को ऐड करके ये किस कॉमन वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में जाएंगे और किस वेलोसिटी से जाएंगे, किस स्पीड से जाएंगे, वो आपको बताना है. आफ्टर गेटिंग एंटैंगल्ड यू हैव टू टेल देयर स्पीड एज वेल एज देयर डायरेक्शन. ओके, सो वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच सेज m1u1 प्लस m2u2 इज m1v1 प्लस m2v2. Okay, let m1 be 55, u1 is 6, okay, plus m2 is 60 and u2 is 5 meter per second in the negative x direction. So I am writing it as minus 5. I hope you are convinced with this. Momentum is a vector, velocity is a vector, we need to take care of the direction. Okay, so I have put a negative sign here just to indicate that it is in opposite direction as compared to u1. Okay, is equal to, ab yahan v1 v2 ka koi purpose nahi hai because they are going to move with a common velocity. To fir se wahi karenge hum, m1 plus m2 times v. So m1 plus m2 times common velocity jisse wo move karenge. All right, now what is this, 55 into 6, this will come out to be 330 minus 60 into 5. Okay, 300 is equal to 105 times V. Okay, this would be 30 divided by 115 will come this side on the denominator V. Okay, I hope all these steps are clear. The main point need to be kept in mind is that one velocity has to be put negative. Okay. Now calculate 30 upon 115. That will be their common velocity.
The final answer that we are getting after dividing 30 by 115 is 0.26 meter per second. In the question, you were also asked that after getting entangled, in which direction will both the players move together? Okay, so your answer is coming out to be positive. और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमने किसको कंसिडर किया था? 55 केजी प्लेयर को. ठीक है, इसका मतलब इंटेंगल होने के बाद ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब 55 केजी प्लेयर वाले की डायरेक्शन में जा रहे हैं. ओके, सो यू विल मेंशन इन योर आंसर दैट 0.26 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 55 केजी प्लेयर. इन योर एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे हैव कंसिडर्ड 55 kg coming from the negative direction and 60 kg coming in the positive direction. तो NCERT का solution अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 55 kg को negative velocity दी हुई है -6 और 60 kg को positive velocity दी हुई है. ठीक है, और उस हिसाब से solve करते हुए NCERT में answer negative आया हुआ है. What does that negative answer interpret? कि हमने क्योंकि 55 को NCERT में negative लिया हुआ है तो negative answer means ऑब्जेक्ट या ये जो इंटेंगल होकर मूव कर रहे हैं दे विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ 55 केजी प्लेयर. ठीक है, हमने यहाँ पे 55 केजी वाले को पॉजिटिव माना था तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है. दोनों केसेस में जो रिजल्ट है वो सेम ही है. वहां पे भी दोनों इंटेंगल होके 55 केजी प्लेयर की डायरेक्शन में जा रहे थे, यहां पे भी दोनों इंटेंगल होके 55 केजी प्लेयर की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. द कॉन्सेप्ट इज द सेम, conservation of momentum. It's only that assuming the directions of velocities was different. NCERT ने 55 kg को negative माना है, okay? हमने 60 kg को negative direction में माना है. Ultimately जो situation का result है वो same ही है, दोनों player 55 kg की direction में ही जाएंगे. Okay?